हाय गाइस, आपने ये बात सुनी होगी राइट के मौन मौन रहना चाहिए आपके लिए अच्छा है। लेकिन कई बार हमें इसकी वजह नहीं पता होती है कि मौन रहना क्यों जरूरी है, और इसीलिए काफी ज्यादा लोग बातें करते रहते हैं। हाय, मैं हूं प्रीति, और इस वीडियो के द्वारा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मौन रहने के फायदे क्या है, प्लस जरूरी क्यों है कि मौन आप पालन करें, मौन का पालन क्यों करें। बिकॉज कई बार कुछ बोल देने के बाद आपको लगता है अरे यार नहीं बोलना चाहिए था। तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, स्टे ट्यून्ड। अब देखो, कई बार चुप रहने से मौन रहने से आप काफी ज्यादा चीजें बोल सकते हैं। ये कैसे? देखो, ऐसी तो कुछ बातें होंगी कि जो आप हमेशा कहते हैं लोगों से। आपको आपको भी पता है कि आप कई बार कौन सी बातें कहते हैं। आपके घर पे भी सबको पता है कि कौन सी बातें आप लोगों से कह सकते हैं, और बार बार अगर आपने कोई बात बताई है और अगर फिर भी किसी ने नहीं सुनी है, तो मौन रहने से आप ये साइलेंटली बताएंगे कि भाई मैंने पहले बताया था वो करो। और कई बार लोगों की आदत होती है कि अगर आप सामने हैं तो आपको अच्छा लगाने के लिए पूछ लिया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, और आपके पास डिटेल में पूरा जो टॉपिक है वो उन्होंने समझा दिया, मतलब आपके पास निकलवा लिया, और अंत में वो वही करेंगे जो उनको करना है। आपको पता भी है, ऐसी परिस्थिति को जब आप देखते भी है तो आपको पता है कि वो बंदा नहीं सुनने वाला है, आप जो कहते हैं वो नहीं करने वाला है, फिर भी अगर आप बताते हैं तो आपको पता है कि आपने मौन ना रहकर शायद एक और बार मौका गवा दिया कि वो सच में आपकी बात को ध्यान में ले। वो किसी ज्यादा अगर आप बकबक करते रहते हैं तो होगा क्या कि लोग आपकी बातों को इतना जरूरी नहीं समझेंगे। आप दिन में 100 बातें करते हैं, 100 की 100 सारे की सारे बातें इग्नोर हो सकती है, लेकिन अगर आप सोच समझ कर कुछ ही शब्द बोलते हैं तो लोग चाहेंगे कि भाई आप बोले, और जब बोलेंगे तब वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो ये चीज करना आवश्यक है। एक और बात है कि जब भी आप बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, उस समय पर तो चुप रहना ही सही है। जहां पर सबसे ज्यादा आपकी इच्छा होगी कि भाई अभी इसको दूध का दूध और पानी का पानी बता देती हूँ, अभी इसको धूल चटा देती हूँ, ऐसा बोलूंगी कि जिंदगी भर मुझे याद रखेंगे ये है वो है, तब सबसे ज्यादा इच्छा होती है कुछ बहुत ही बुरी, कुछ बहुत ही कड़वी बातें बोल देने की। और ये कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जब आपका दिमाग शांत होगा, आपका माइंड शांत होगा, सबसे पहले आप पछताने वाले हैं कि भाई ऐसा तो क्यों बोल दिया आपने। तो जी हाँ, जब भी आप गुस्से में होते हैं तो जरूरी ये बात ध्यान में रखिए, हो सकता है तो बिल्कुल मौन रहिए, कुछ भी नहीं बोलना है उस परिस्थिति में। कई बार जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बात करने की आदत होती है, वो इतनी ज्यादा चीजें बोलते रहते हैं, इतनी ज्यादा बिन जरूरी चीजें भी बोल देते हैं कि जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, सब कुछ बोल देने के बाद उनको लगता है कि यार क्या बोल दिया, और लोगों के ऊपर इमेज खराब हो जाएगी आपकी कि भाई ये बेवकूफ है, बोलते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं, जो नहीं बोलना है वो भी बोल देते हैं, दैट विल एक्चुअली प्रूव कि आप बेवकूफ हैं। अब बोलने के पीछे कुछ लोगों की वजह ये भी होती है कि उनको कुछ छुपाना नहीं है किसी से। देखो, मन में भावना बहुत अच्छी है कि किसी से कुछ छुपाना नहीं है, जो दिल में है सब कुछ बता देना है,
थिंग इज एक्चुअली गुड, लेकिन वो परिस्थिति में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि उस परिस्थिति के इर्द गिर्द वो बातें बतानी अनावश्यक है, और तब अगर आप वो सारी बातें बोलते हैं, तब अगर आप यू नो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर भी वो अनावश्यक हो जाएगा। जो लोग उस परिस्थिति में उपस्थित है उनका समय आप बर्बाद करेंगे, आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे कुछ ऐसी बातें बोलकर कि जो वहां पर नहीं बोली जानी चाहिए। यू नो आपका जो माइंड है, माइंड का फंक्शन है, ओके आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसका फंक्शन है कि दिन में 60,000 के आसपास विचार आपके मन में आते रहते हैं, और अगर जितना भी माइंड में आता है वो आप सब कुछ बोलने जाएंगे, अंड शंड सब कुछ बोलते रहेंगे, तो आप ही बेवकूफ लगेंगे। ओके जरूरी नहीं है कि आपका माइंड जो भी आपको विचार देता है सारे के सारे इंटेलिजेंट वाले विचार है, आपको खुद को पता है राइट, दिन में कितने ही ज्यादा ऐसी बातें भी आती है जो टोटली फिजूल होती है, टोटली फूलिश होती है। ओके तो सारी की सारी बातें जो भी माइंड में आती है सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। और एक और बात है ना, काफी लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, ओके दे जस्ट वांट टू टॉक अ लॉट, तो ऐसा बातूनी स्वभाव कई बार आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बिकॉज जिसको बहुत ज्यादा बात करने की आदत होती है वो यूजुअली आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, सबके सामने बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, और उस केस में कभी कभार आप ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो होती है आपके जीवन की जो गुप्त रखी जानी चाहिए वो भी आप शेयर कर देंगे लोगों के साथ, जस्ट बिकॉज आप बहुत ज्यादा बातूनी है। ओके और यू नो आप कितने ज्यादा बातूनी है, कितनी कितनी बुरी बातें, मतलब कितनी सीक्रेट बातें आप लीक आउट कर देते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका नॉलेज कितना है, आपका आपका विजडम कितना है, आपका अवेयरनेस कितना है। ओके अगर आप यू नो सोशली अवेयर नहीं है, मतलब आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो चांसेस है कि आप ऐसी चीजें बोल देंगे कि जो आपको बोलनी आवश्यक नहीं थी, जो शायद बिन जरूरी थी, और आप ऐसी भी चीजें बोल सकते हैं कि जो आपकी इमेज खराब कर सकते हैं। ओके आपकी ये हर एक इंसान की इमेज होती है राइट, और इमेज को बरकरार रखना जरूरी है बिकॉज आप चाहते हैं कि समाज में लोग आपको एक्सेप्ट करें। अगर ऐसा जरूरी है तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप बिन जरूरी बातें ना करें, ऐसे ही आप यू नो बकवास ना करते रहे, दैट इज एक्चुअली एसेंशियल। तो जी हाँ, तो ये था, ये कुछ विचार थे कि जो आपके साथ शेयर करने जरूरी थे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करे। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए ओके कि आप बातूनी इंसान हैं कि आप शांत इंसान हैं, आप ज्यादा बोलते नहीं हैं। ओके लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बातूनी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।